हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो मेड। अगर आप ग्रो मेड को नए हैं तो सब्सक्राइब करना और टैप द बेल आइकॉन, ठीक है? तो जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगी आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड इफ एट ऑल यू आर अ सब्सक्राइबर ऑफ द ग्रो मेड देन वेलकम बैक टू ग्रो मेड। तो FMG एग्जाम की डेट आ चुकी है विच इज जुलाई 6 एंड द एप्लीकेशन फॉर्म इज ऑल्सो आउट फॉर द एग्जाम। सो देर आर सम चेंजेस इन दैट फॉर्म विच वी विल बी टॉकिंग नाउ। बहुत सारे लोगों के क्वेरीज भी थी और कन्फ्यूजन भी था कि ये क्या है, ठीक है? सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दोज थिंग्स एंड ट्राई टू क्लियर ऑल योर कन्फ्यूजन्स रिगार्डिंग दिस न्यू। So there are three changes done this time, and first of all it is about the fees. The fees was 7,150 something and now it is around 6,000, okay, which is a good thing. Then the second important thing is the pattern of the exam. So usme thodi si changes aa chuki hai, theek hai? The time, total time duration is same. टाइम एग्जाम का टाइम भी सेम है, जैसे कि मॉर्निंग सेशन फ्रॉम 9 to 11:30, सब कुछ सेम है, बट एग्जाम के पैटर्न में स्लाइट चेंजेस, ठीक है? सो दिस इज द इंफॉर्मेशन बुलेटिन विच इज रिलीज्ड अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है? तो वी विल लुक एट दोज थिंग्स। तो द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन इज द 20th मे, ओके? एंड बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म, बिफोर फिलिंग द फॉर्म, सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लेना, जैसे कि ऑल दोज थिंग्स, योर पासपोर्ट, देन डिग्री, देन 12th मार्कशीट, ऑल दोज थिंग्स स्कैंड में रेडी कर लेना, बिकॉज यू नो वंस यू लॉग इन देन पर्टिकुलर टाइम दैट 10-20 मिनट्स में अगर आप कोई भी कुछ करोगे नहीं वेबसाइट में, देन इट विल ऑटोमेटिकली लॉग आउट, ठीक है? तो ऐसे में ऐसा रहेगा कि इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड देन काफ़ी बार वो लॉग आउट होता रहेगा, देन यू नीड टू लॉग इन। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेना एंड देन स्टार्ट टू फिल द फॉर्म, ओके? देन अपलोड सारे डॉक्यूमेंट्स का वो जो साइज है ना, इतने से इतने KB में होना चाहिए, तो उसको भी रेडी कर लेना, ठीक है? तो वेन एवर यू विल बी अपलोडिंग इट विल बी ईजियर फॉर यू ऑल, ओके? सो दीज आर सम डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स विच यू मस्ट नो, ठीक है? तो फॉर द एडिट ऑफ द डेफिशिएंट और द इनकरेक्ट इमेजेस देर 7 to 10 June, देन फॉर द फाइनल अपॉर्चुनिटी फॉर द रेक्टिफाइंग योर डेफिशिएंसी, क्योंकि किसी किसी में ना कोई चेंजेस हो जाती है, जैसे कि देर इज अ मिस्टेक इन टाइपिंग मिस्टेक इन द नेम और टाइपिंग मिस्टेक इन द एड्रेस और इमेजेस गलत हो जाती है, ठीक है? तो उन सबको रिव्यू करके आप दोबारा से डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, एंड देर इज ऑल्सो टाइम पीरियड गिवन फॉर इट, लाइक 21 June to 24 June, ठीक है? देन द इश्यू ऑफ द एडमिट कार्ड 1 July, एग्जामिनेशन डेट 6 July एंड डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट 6 August, ओके? सो द एग्जामिनेशन इट इज डिवाइडेड इन टू द 2 parts, ओके? द फर्स्ट पार्ट फ्रॉम 9 to 11:30 एंड द सेकेंड पार्ट फ्रॉम द 2 PM to 4:30 PM। तो टाइमिंग में तो कुछ फर्क है नहीं, ठीक है? सो द टाइमिंग इज सेम। द ओनली थिंग दैट इज चेंज्ड इज आई विल रीड इट टू, ओके? द क्वेश्चन पेपर फॉर ईच पार्ट ऑफ FMGE विल बी डिवाइडेड इन टू मल्टीपल टाइम बाउंड सेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज 3 टाइम बाउंड सेशंस, सेक्शन ए, बी एंड सी इन ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ईच सच सेक्शन विल हैव 50 questions एंड 50 minutes ऑफ टाइम अलॉटेड फॉर द सेशन। तो ऐसा है कि दे हैव अगेन डिवाइडेड द पेपर इन टू सम सेशंस, ओके? सो देर विल बी सर्टन शॉर्ट सेशंस, लाइक फॉर एग्जाम्पल 50 questions 50 minutes, एंड वॉट विल हैपन इन दिस इज दैट 50 minutes के क्वेश्चन रहेंगे, 50 minutes आपको टाइम मिलेगा, ठीक है? सो यू विल बी सॉल्विंग दोज ऑल दोज थिंग्स एंड देन यू विल बी स्किपिंग ऑन टू दिस नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सेक्शन, जो कि फिर 50 minutes का है, 50 questions का है। देन द थिंग इज द फर्स्ट सेशन इट विल बी गेटिंग लॉक्ड आफ्टर 50 minutes, तो आप दोबारा से जाके रिव्यू नहीं कर सकते हैं उनको, और आप आंसर्स भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ओके? देन कैंडिडेट्स वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन टिल कम्प्लीशन ऑफ द अलॉटेड टाइम ऑफ द प्रीवियस सेक्शन एंड कैंडिडेट्स वुड नॉट बी अलाउड टू रिव्यू द क्वेश्चंस और मॉडिफाई द रिस्पॉन्सेज ऑफ द सेक्शन आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द अलॉटेड टाइम ऑफ दैट सेक्शन, ओके? सो
Questions of the next session will start automatically after the completion of the allotted time of the previous section. Okay, so there's another thing written in a small letter that the actual number of such time restricted sections may vary based on the total number of questions in the question paper and operational feasibility in making such sections. Okay, so this is the thing which is new in this FMG, and I think this is actually a good thing. ठीक है, तो some students are getting panic about it कि कैसे होगा, how will we manage the time and all. ठीक है, तो अभी भी 2 months है जिसमें से you can practice this. ठीक है, so आपको क्या करना है कि 50 questions at a time solve करना है, and 50 minutes का timer लगाना, then 50 questions सॉल्व करना एंड देन रिव्यू करना क्वेश्चंस अगर टाइम बचे तो. आई फील दैट दिस जो भी रूल आया है ना, दिस पैटर्न, आई थिंक इट इज़ एक्चुअली गुड. मोस्ट ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, इवन आई हैव डन दिस मिस्टेक इन माय FMGE. तो हमको बोला तो जाता है कि रिव्यू मत करना, पीछे मत जाना, क्वेश्चंस कोई भी ना मार्क पे छोड़ना मत, ठीक है, दैट मार्क फॉर रिव्यू और लेटर. ठीक है, तो मैंने भी ये गलती करी हुई थी, बिकॉज आई वॉज लेफ्ट विथ टाइम. तो फर्स्ट पेपर में आई हैड लेफ्ट विथ 10 to 12 minutes इन विच आई स्टार्टेड टू रिव्यू माई आंसर्स. तो मैंने फर्स्ट से लेके जो जो मेरे को डाउट था मैंने रिव्यू करना स्टार्ट किया, और उसमें से आई गॉट कन्फ्यूज एंड चेंज्ड माई आंसर्स. तो ऐसे में मेरे 3 या 4 क्वेश्चंस गलत हो गए थे. ठीक है, तो मैंने गलत सही वाला ऑप्शन बदल के गलत वाला ऑप्शन चूज कर दिया था. ओके, सो वी यूजुअली टेंड टू डू दिस मिस्टेक, एंड मोस्ट ऑफ अस वी विल बी डूइंग दिस मिस्टेक. ओके, तो आई थिंक अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे तो इट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग. ना रिव्यू होगा, फिर ना ही क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहेंगे, बिकॉज जो भी क्वेश्चन फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे हमें लगता है ना कि ये आंसर है एंड वी चूज दैट आंसर, तो most of the times the chances are there कि वही वाला सही होता है क्वेश्चन. ठीक है, सो यू हैव रेड सो मेनी थिंग्स, ओके, 19 सब्जेक्ट्स, यू हैव डन द रिविजन सो मच, तो आपके ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में द थिंग्स आर ऑलरेडी देयर. ओके, सो द योर सबकॉन्शियस माइंड सेज यू टू मार्क दैट, बट वी गेट कन्फ्यूज, और टाइम ऐसा रहता है उस टाइम पे कि हम ज़्यादा सोचने लगते हैं एंड आंसर्स गलत हो जाते हैं. ओके, सो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो एक्चुअली इट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट हैज़ हैपेंड इन द FMG. बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसके लिए डिस्कस करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम. ट्रेन योर सेल्फ इन अ वे कि आप ये भी इजीली कर लोगे. ठीक है, क्या ही है यार, बड़ी बात थोड़ी है, 50 क्वेश्चंस, 50 मिनट्स, उसके बाद वो सेक्शन क्लोज हो जाएगा, फिर टेंशन भी नहीं रहेगी ना दिमाग में कि मैंने वो गलत किया था, मेरे को रिव्यू करना है, वो बंद हो गया, कहानी खत्म. ओके, सो डोंट पैनिक अबाउट इट, हैव अ लॉट ऑफ गुड लेक्चरर्स एंड अ गुड प्लेटफॉर्म्स जिसमें आप इसमें भी ट्रेन हो सकते हैं. ठीक है, तो लेक्चरर्स भी है बहुत सारे जो आपको करेंगे इसके लिए, एंड इफ एट ऑल कोई भी कोचिंग अगर ज्वाइन किया हुआ है तो ऑनलाइन टेस्ट होती है, तो कोचिंग वाले ऑफकोर्स ये पैटर्न को बदल देंगे एंड दे विल ट्रेन यू अकॉर्डिंगली. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग वरीड, गेटिंग पैनिक और स्प्रेडिंग द टेंशन अराउंड अदर स्टूडेंट्स, इससे अच्छा है कि जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, एंड टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि रिवाइज कर लो, पढ़ाई कर लो. ओके, दिस वॉज अबाउट द टाइम सेक्शंस. आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस थिंग कि क्या चेंजेस आए हैं एग्जाम में. ओके, देन देर इज अनदर थिंग विच वॉज क्रिएटिंग कन्फ्यूजन अमंग द पीपल, एंड दैट वॉज समथिंग लाइक इस PDF में लास्ट के पेजेस में दे हैड गिवन समथिंग लाइक कि देर इज़ मैक्सिमम 3 चांसेस अपियरेंस ऐसे करके कुछ, एंड द सेम सेंटेंस रिगार्डिंग द अटेम्प्ट्स, सो देर वॉज कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ द अटेम्प्ट्स. तो PDF में लास्ट में कहीं पर इन अ हाईलाइट दिया गया है कि देर इज नो लिमिट इन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. सो यहाँ पर दिया गया है कि देर इज नो रिस्ट्रिक्शंस इन द दिस इंफॉर्मेशन बुलेटिन पेज नंबर 33. यहाँ पर इट्स गिवन दैट FMG बींग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वंस देर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट दैट बी अवेल्ड बाई अ कैंडिडेट. ओके, सो
जब यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है देन वाई आर सम पीपल आई डोंट नो क्रिएटिंग कन्फ्यूजन, और दूसरे स्टूडेंट्स को भी पैनिक कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पब्लिक नोटिस पढ़ रहे हैं जो कि बहुत पुरानी है एंड दे आर गेटिंग कन्फ्यूज बिटवीन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. ओके, व्हेन दे आर क्लियरली गिवन हियर दैट देर इज नो लिमिट इन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, देन वाई आर यू थिंकिंग अबाउट इट, वाई आर यू क्रिएटिंग पैनिक अमंग अदर्स. कोई भी रूल आया नहीं है कि देर इज लिमिट मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 लिमिट फॉर द एग्जाम, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं आया है नोटिस. तो डोंट वरी, डोंट गेट पैनिक, जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम एंड ट्रेन योर सेल्फ टू डू द MCQ इन द गिवन टाइम पीरियड. ओके, सो कीप वर्किंग हार्ड, कीप रिवाइजिंग योर नोट्स, सॉल्व द MCQs, प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. दैट्स ऑल आई कैन से. डोंट पैनिक, एंड कोई भी नई रूल आती है ना तो डोंट पैनिक एंड डोंट थिंक अबाउट इट सो मच, क्योंकि तुम कुछ भी कर लो यार, रूल तो रूल रहेगा ना. NBA से हम लड़के वो रूल अभी तुरंत तुरंत चेंज तो नहीं कर सकते ना. इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन ऑल दिस डिस्कशंस एंड थिंकिंग अबाउट इट, क्रिएटिंग पैनिक, भूल जाओ उसको एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एग्जाम. तो हमारा काम है पढ़ाई करना, ठीक है, तो पढ़ाई करो, एग्जाम क्लियर करो, बाकी जो भी है ना वो NBA वाले देख लेंगे. सो योर वर्क इज़ टू स्टडी, सो स्टडी हार्ड एंड क्लियर दिस एग्जाम. ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. आई होप योर कन्फ्यूजन्स आर क्लियर नाउ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ. ओके, एंड देन सब्सक्राइब टू ग्रोमेड. थैंक यू सो मच, बाय बाय. Thank you.